हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइस, हम कर रहे थे 11th क्लास की हिस्ट्री, जिसका हम फोर्थ चैप्टर कर रहे थे और इसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। इसका आज मैं थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए और आज हम इससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि खलीफाओं का जो शासन है वो किस प्रकार से चलता है और किस प्रकार से खलीफा जो मोहम्मद पैगम्बर द्वारा जो इस्लामिक जो एक धर्म की स्थापना की गई थी उसका विस्तार किस प्रकार से करते हैं और उसको संरक्षित किस प्रकार से ये रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम बात करते हैं खलीफाओं के शासन की और उसके विस्तार की। तो होता क्या है गाइस, 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है, 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद पैगंबर मोहम्मद जैसा कोई और वैध जो है पैगंबर वो उभर कर सामने नहीं आता है। इसलिए जो सत्ता होती है पैगंबर मोहम्मद की, जो राजनीतिक सत्ता थी जिसकी स्थापना करी थी उन्होंने मदीना में, वो सत्ता कहाँ चला जाता है, उम्मा को स्थानांतरित कर दिया जाता है, उम्मा को सौंप दिया जाता है। क्योंकि जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती है तो उनकी तरह उनके शासन को चलाने के लिए उनकी तरह कोई और व्यक्ति नहीं था, इसी वजह से वो जो शासन होता है, वो जो सत्ता होती है वो किसको दे दिया जाता है, उम्मा को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब उम्मा कौन है, तो उम्मा जो है मुसलमानों का एक समुदाय है, धार्मिक समुदाय है जिसमें बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं वो शामिल थे। तो ये उम्मा को सौंप दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, जब उम्मा को ये सौंप देते हैं तो इससे नवाचार यानी कुछ बदलाव के जो है अवसर मिलता है, परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन जो है ये होता है कि खिलाफत की संस्था का निर्माण होता है। क्या होता है, खिलाफत की संस्था का निर्माण होता है। जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती है तो सत्ता किसको दे दिया जाता है, उम्मा को। उम्मा को जब सत्ता दिया जाता है तो इसमें जो है परिवर्तन की एक गुंजाइश नज़र आती है और परिवर्तन होता भी है। परिवर्तन क्या होता है, सबसे बड़ा परिवर्तन कि एक खिलाफत की संस्था का निर्माण होता है और अब जो शासन है इस्लामिक धर्म का वो अब क्या कहते हैं, खलीफाओं के द्वारा ये शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो खिलाफत की संस्था का निर्माण होता है और समुदाय का जो नेता था, जो उम्मा समुदाय का जो नेता था उसका नाम था अमीर अल मोमिन मोमिनिन। ठीक है, तो अमीर अल मोमिनिन जो है इसका उत्तराधिकारी बनता है, पैगंबर का प्रतिनिधि बनता है और जिसको हम खलीफा भी बोलते हैं वो बनता है और उसके बाद में शासन उसके हाथों में जाता है। तो जो खिलाफत की संस्था बनी थी, खिलाफत जो एक संस्था बनी थी उसके कुछ उद्देश्य थे। तो खिलाफत संस्था के दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं, कौन कौन सा, पहला जो उद्देश्य था वो ये था कि कबीले जो थे उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। कौन से कबीले, तो वो कबीले जो पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में इस्लाम धर्म को जिसने कबूल किया था, तो उन कबीलों को जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था उसके ऊपर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी था। इसलिए खिलाफत जो थी उसका निर्माण किया गया और उसी के माध्यम से उसका एक जो मोटिव था खिलाफत का, एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि कबीलों के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही साथ दूसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो राज्य हैं, जो इस्लामिक राज्य हैं उसके लिए संसाधन जुटाया जाए। ठीक है, तो ये दो मुख्य उद्देश्य रहे। आगे हम बात करते हैं खलीफाओं की, जो क्योंकि खिलाफत की संस्था की शुरुआत होती है तो इसका जो शासन है वो खलीफाओं के हाथ में होता है। तो खलीफा जो थे वो चार खलीफा रहे हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले जो थे अबू बकर, दूसरे थे उमर, तीसरे थे उस्मान, कई जगह पर उस्मान भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, और चौथे जो थे हजरत अली। सबके सामने हजरत लगा हुआ है इसलिए मैंने हजरत नाम बोला नहीं है। तो नाम पहला कौन सा है, खलीफा अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान या उस्मान, और चौथा जो थे वो अली। अब ये जो होते हैं, चूंकि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती है तो होता क्या है कि कई कबीले जो है ना वो उस मुस्लिम समुदाय से टूटकर खुद को अलग करने लग जाते हैं और अपने लिए खुद का एक पैगंबर स्थापित करने लग जाते हैं। तो इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए खलीफाओं द्वारा जो है बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो अभी हम चारों खलीफाओं के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो होता क्या है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद बहुत से कबीले अलग हो जाते हैं और कुछ कबीले तो उम्मा की तरह ही, जो उम्मा का जो शासन चल रहा था उसी की तरह एक शासन व्यवस्था भी अपना लेते हैं, लागू कर लेते हैं और अपने लिए खुद का पैगंबर भी निर्धारित कर लेते हैं, खुद का पैगंबर भी ये चुन लेते हैं।
ठीक है, तो ये सारे काम जो है कबीले जो है वो क्या हो जाते हैं, टूट 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 कर अलग होने लग जाते हैं। तो ऐसे में जो खिलाफत का जो एक मुख्य उद्देश्य था कबीलों पर नियंत्रण रखना, ये तो एक तरीके से धूम ही हो जाता। इसीलिए जो खलीफा थे हमारे चार, उन खलीफाओं द्वारा जो है इनके ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया। तो जो पहले खलीफा थे अबू बकर, इन्होंने अनेक अभियानों द्वारा जो विद्रोह हो रहा था कबीलों के द्वारा, उन कबीलों का विद्रोह को दबाया इन्होंने। जो पहले कौन थे, पहले खलीफा अबू बकर, अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया। जो भी विद्रोह कबीले कर रहे थे उन विद्रोहों को इन्होंने दबाया और इस्लामिक राज्य में ही इसको समाहित रखा। जो दूसरे खलीफा थे उमर, इन्होंने उम्मा के सत्ता के विस्तार की नीति अपनाई और इन्होंने क्या कहा कि जो उम्मा की जो सत्ता स्थापित हुई है पैगंबर के मृत्यु के बाद, उसी सत्ता को आगे करना है और उसको विस्तारित करना है। ठीक है, इसके लिए उन्हें पता था कि जो कर और व्यापार के ऊपर टैक्स लगाकर जो आय मिल रहा है, उस आय से उम्मा की जो शासन व्यवस्था है उसको चला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में इन्होंने एक अलग नीति अपनाई और नीति क्या अपनाई इन्होंने, छापा मारने की नीति अपनाई, छापे मारी और लूट का रास्ता अपनाया इन्होंने। किसने, जो दूसरे खलीफा थे उमर। एक बार देखो जरा, दूसरे जो खलीफा थे इन्होंने उम्मा की सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया, ठीक है, और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी और उसका विस्तार करने का प्रयास किया। होता क्या है कि इन्हें पता था कि जो आय व्यापार के माध्यम से और करों के माध्यम से जो आय आ रही है हमारे पास, उससे उम्मा की शासन व्यवस्था को चला पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक अलग रास्ता चुना। रास्ता क्या चुना, छापामारी और लूट, क्योंकि लूट से और छापेमारी के बाद बहुत सारा धन जो है वो लूटा लूटा जाता था और उससे जो है उम्मा का शासन चलाया जा सकता था। तो उमर ने छापेमारी और लूट का रास्ता अपनाया और खलीफा जो थे उमर, उन्होंने बेंजेटाइन, बेंजेटाइन किसको कहा जाता था आप जरा रिकॉल कीजिए, तो जो रोमन साम्राज्य था उसको बेंजेटाइन के नाम से भी जाना जाता था। तो खलीफा ने बेंजेटाइन और ससानी साम्राज्य जो था उसके इलाके को जीतने के लिए अपने जो कबीले हैं उसको मजबूत किया और इनके ऊपर हमला किया। ठीक है, कबीले की शक्ति जुटाई और हमला किया। बेंजेटाइन जो था, बेंजेटाइन में जो है ईसाई धर्म जो है वो अपनाया गया था और ससानी जो साम्राज्य था वहां पर जरतुस्त धर्म का को संरक्षण प्राप्त था। यानी ससानी जो साम्राज्य था वहां पर कौन सा धर्म था, तो जरतुस्त, ये आपने सुना भी नहीं होगा, एक अलग सा धर्म है ये जरतुस्त धर्म, इसको अपनाया जाता था, इसकी मान्यता थी वहां पर, ये प्रचलित था। ठीक है, तो होता क्या है कि उमर के तीन सफल अभियानों में सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। उमर ने क्या करा, एक के बाद एक तीन सफल अभियान किए और उन अभियानों के माध्यम से सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र जैसे जो राज्य थे, जो क्षेत्र था, उनको मदीना के नियंत्रण में ले आए। ठीक है, अब अरबों की सफलता के पीछे कारण क्या रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उमर थे, जो दूसरे खलीफा थे, उन्होंने क्या करा कि बेंजेटाइन और ससानी जो साम्राज्य था उसके ऊपर भी आक्रमण किया, उसके ऊपर भी हमला करके वहां से भी बहुत सारा धन अर्जित किया। तो अब जो ये सफल हो रहे थे और इसके बाद ये जो तीन सफल अभियान किया, सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र, इन क्षेत्रों पर भी इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। तो इनकी सफलता के कारण क्या रहे हैं, क्यों इतने सफल हो रहे थे अरब, तो अरबों के सफलता के पीछे तीन मुख्य कारण रहा है। पहला जो कारण था वो थी इनकी सामरिक नीति, यानी कि अरबों की जो सामरिक नीति थी यानी कि सुरक्षा नीति, कि अपने सेना का संचालन कैसे करना है, हथियारों का उपयोग कैसे करना है, ये बखूबी जानते थे, ये इसके बारे में अच्छे से जानते थे, इसलिए ये सफल हुए। दूसरा जो था धार्मिक जोश, जो इस्लामिक धर्म का जो उदय हुआ था, वो यहाँ के जो खलीफा थे उस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और ये एक तरीके से इसके लिए डेडिकेटेड थे कि ये इस्लाम का जो प्रचार प्रसार है इसका होना चाहिए। तो ये धार्मिक जोश जो था इनके अंदर था, इसकी वजह से भी ये सफल रहे। तीसरा जो था वो था विरोधियों की कमजोरियां,
जो हम बात कर रहे थे कि बेंजेटाइन और सशानी जो साम्राज्य था वो कमजोर हो रहा था आपसी आंतरिक कलह की वजह से, जिस वजह से उमर जो खलीफा थे उन्होंने उसके ऊपर नियंत्रण एक तरीके से स्थापित कर लिया था। मैंने जब तीसरा चैप्टर करवाया था लास्ट वीडियो, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि रोमन साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण क्या रहा है, तो अरबों द्वारा आक्रमण जो था रोमन साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण था। तो यही जो अरब थे इन्होंने ही बेंजेटाइन यानी नोमर रोमन साम्राज्य के ऊपर बार बार आक्रमण किया था। और ये क्यों? क्योंकि ये जो है ना विरोधी जो थे, जो बेंजेटाइन और जो क्या कहते हैं कि ससानी जो साम्राज्य था, ये आंतरिक कलह से गुजर रहा था, आंतरिक जो संघर्ष था उन साम्राज्यों में वो चल रहा था, जिस वजह से ये सफल होते हैं। तो अरबों की सफलता के कारण क्या रहे हैं? तो तीन कारण बताए मैंने। एक तो सामरिक नीति यानी सुरक्षा नीति, दूसरा धार्मिक जोश, और तीसरा विरोधियों की कमजोरियां। ठीक है, इसके अलावा तीसरे जो खलीफा थे, जब दूसरे खलीफा की मृत्यु होती है तो तीसरा खलीफा जो है वो नियुक्त होता है। तीसरे खलीफा का नाम क्या था? उथमान, जिसको उस्मान के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर आपको उथमान मिलेगा, कहीं पर उस्मान मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो तीसरे खलीफा जो थे उथमान, अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने का प्रयास किया इन्होंने। ठीक है, कहाँ तक? मध्य एशिया तक। इनके बारे में बस इतना सा है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के एक दशक के अंदर अरब इस्लामिक राज्यों ने नील नदी और ऑक्सस के बीच विशाल क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे ही पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती है 632 ईस्वी में, यानी कि उसके 10 साल के अंदर यानी 642 ईस्वी के आसपास तक, अरबी जो अरब इस्लामी राज्य जो बन रहा था उसने जो मिस्र में नील नदी है वहां से जो ऑक्सस जो है वहां के विशाल क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण हो चुका था। ठीक है, इसके अलावा चूंकि जो इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो बढ़ता जा रहा था, इसका एरिया जो है इस्लामिक राज्यों का वो बढ़ता जा रहा था, तो राज्य क्षेत्र के विस्तार से संसाधन और पदों के वितरण को लेकर झगड़े उत्पन्न होने लग गए। चूंकि अरब जो इस्लामिक राज्य था जो बन रहा था, इसके राज्य क्षेत्र में अब वृद्धि हो रही थी और जो संसाधन था लूट के संसाधन बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि संसाधनों के वितरण में और पदों के वितरण को लेकर मुसलमानों में ही आपसी द्वेष की भावना हो गई, उत्पन्न हो गई, और झगड़े जो है वो बढ़ने लग गए। ठीक है, जो उम्मा की एकता के लिए खतरा बन गया, जो उम्मा जो है एक साथ रह रहे थे एक समुदाय के रूप में, उसके लिए एक खतरा ये बनता चला गया। प्रारंभिक इस्लामिक राज्य में शासन जो है, प्रारंभिक जो इस्लामिक राज्य था जो पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें शासन जो है ज्यादातर कुरैश लोगों द्वारा ही होता था, यानी कि उस शासन में कुरैश लोगों का ही बोलबाला था। ठीक है, और आपको पता होगा कि पैगंबर मोहम्मद जो है जिस कबीले से संबंधित थे वो कौन सा कबीला था, तो वो भी कुरैश कबीले से थे। ठीक है, और जब राज्य स्थापित हुआ इस्लामिक राज्य, तो कुरैश लोगों को ही का ही बोलबाला उस शासन में रहा। इसके अलावा हुआ क्या, उथमान जो थे वो भी कुरैश कबीले से ही संबंधित थे, और इन्होंने प्रशासन में अधिकतर कुरैश लोगों को ही रखा। चूंकि जो तीसरे जो खलीफा थे उथमान, वो भी क्या थे, कुरैश थे, और इसलिए शासन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इन्होंने किसको रखा, कुरैश लोगों को ही प्रशासन में शामिल किया राज्यों के काम को करने के लिए। ऐसे में हुआ क्या कि अन्य जो कबीले थे उनके साथ झगड़े पैदा हो गए और उथमान की हत्या कर दी गई। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर 6-7 ग्रुप हैं और उसमें से अगर मैं किसी एक ग्रुप के लोगों को ही किसी चीज में भागीदारी दूं और बाकी 6 को ना दूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 6 लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से कुरैश कबीले के लोगों को प्रशासन में तो हिस्सेदारी दे गई दी जाने लगी, लेकिन जो अन्य कबीले थे उन लोगों को प्रशासन में भागीदार बनाया ही नहीं गया। इसी वजह से क्या हो गया, इनके बीच में झगड़े हुए और संघर्ष बढ़ा, और परिणाम स्वरूप जो उस्मान थे उनकी हत्या कर दी गई। उस्मान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा बनाया गया, चौथा खलीफा नियुक्त किया गया, किसे, अली को। अली द्वारा मक्का के अभिजात वर्ग के विरुद्ध दो युद्ध लड़े गए, और अली ने जो है जो मक्का में जो अभिजात वर्ग थे जो धनी वर्ग थे उनके खिलाफ दो युद्ध लड़ा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मुसलमानों में जो है
दरार जो है और बढ़ने लगी। जो अली थे, अली द्वारा जो मक्का में जो समृद्ध लोग थे, जो शक्तिशाली लोग थे, उनके खिलाफ दो युद्ध लड़े। उन दो युद्धों की वजह से क्या हुआ कि जो मक्का के मुसलमान थे और जो मदीना के मुसलमान थे, इनके बीच में दूरियां और बढ़ने लग गई। दूरियां बढ़ने का परिणाम हुआ क्या कि ये जो मुस्लिम समुदाय था वो दो भागों में विभाजित हो गया, एक बन गया शिया और दूसरा सुन्नी। ठीक है, हुआ क्या कि अभिजात वर्ग के खिलाफ जो है अली ने दो संघर्ष किया। दोनों संघर्षों के बाद मुसलमान जो मक्का के थे और जो मदीना के मुसलमान थे, दोनों के बीच में एक तरीके से संघर्ष बढ़ा और मतभेद बढ़ता गया, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय जो है दो भागों में बट गया, एक जो था शिया और दूसरा सुन्नी। जो शिया समुदाय था वो अली के समर्थक थे और दूसरे जो थे किसी और के समर्थक थे। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि मुआविया, नाम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुआविया ने 661 ईस्वी में अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है, क्या होता है यहां पर भी अली की मृत्यु होती है और अली की मृत्यु के बाद 661 ईस्वी में मुआविया ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया और उमियद वंश की स्थापना करी। ठीक है, किसकी? उमियद वंश की स्थापना करी जो 770 ईस्वी तक चलता रहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि उमियद वंश की स्थापना किसने करी, तो किसने करी थी? मुआविया ने। तो ये ध्यान रखना है आपको, उमियद वंश और राजतंत्र का विकेंद्रीकरण। अब हम थोड़ा सा उमियद वंश के बारे में देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और वीडियो को जो है वो जरूर देखो। तो जो मुआविया थे उन्होंने क्या करा, 661 ईस्वी में अपने आप को खलीफा घोषित किया और खलीफा घोषित करने के बाद क्या हुआ, उमियद वंश की स्थापना करी। और उमियद वंश की स्थापना करने के बाद जो उमियद वंश था वो 750 ईस्वी तक चलता रहा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं उमियद और राजतंत्र का विकेंद्रीकरण। तो पहले जो उमियद खलीफा थे मुआविया, इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो क्या बनाया, दमिश्क। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुआविया ने क्या करा, दमिश्क को अपनी राजधानी बनाई। मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा की शुरुआत करी, यानी कि वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा क्या होता है कि राजा का पुत्र जो है वो राजा बनता है, वही सत्ता आगे संभालता है। और मुआविया ने इसके लिए जो और भी जो मुख्य मुस्लिम अधिकारी थे उन लोगों को इसके लिए राजी कर लिया कि उसके पुत्र को अगला उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो वंशगत उत्तराधिकार की जो परंपरा की शुरुआत जो है वो किसने करी थी, तो मुआविया ने। ठीक है, उमियद राज्य अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था क्योंकि इसको जो है इस्लाम के जो मुख्य उत्तराधिकारी थे उनका समर्थन प्राप्त हो चुका था। तो ऐसे में उमियद जो है एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था, अब वह सीधा इस्लाम पर आधारित नहीं था। हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी खलीफा रहे हैं और पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो भी शासन किया गया है वो सारा का सारा शासन इस्लाम धर्म पर आधारित था और केवल एक ही धर्म को ज्यादा मान्यता दी जा रही थी। लेकिन जो उमियद वंश की स्थापना की गई मुआविया द्वारा, वो उमियद वंश जो है वो इस्लाम पर आधारित नहीं था, उसमें अन्य धर्म के लोगों को भी जगह दी गई और बहुत सारे परिवर्तन जो है उमियद वंश द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि जो उमियद वंश जो था वो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था और अब जो है वो इस्लाम पर आधारित नहीं था बल्कि शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। और ये जो उमियद वंश था ये इस्लामिक इस्लाम के ऊपर नहीं चल रहा था बल्कि एक शासन कला के ऊपर चल रहा था और सीरिया के जो सैनिक थे उनकी वफादारी के ऊपर ये साम्राज्य टिका हुआ था। ठीक है, प्रशासन में ईसाई सलाहकार थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है अलग अलग धर्म के लोगों को भी मान्यता दी गई, जगह दिया गया। तो इन्होंने प्रशासन में ईसाई सलाहकारों को भी नियुक्त किया, जरतुस्त लिपिक और अधिकारियों को भी नियुक्त किया, यानी कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोगों को भी इसमें इन्होंने शामिल किया प्रशासन में। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें इस्लामिक राज्यों में तो जितने भी शासक आए या जितने भी खलीफा आए उन्होंने केवल इस्लाम का विस्तार किया और इस्लाम से संबंधित लोगों को ही प्रशासन में भागीदार बनाया, परंतु इन्होंने ऐसा
नहीं किया। ठीक है, अब्द अली जो थे, अब्द अली ने अरबी प्रशासनिक भाषा को जो है, अरबी को जो है प्रशासनिक भाषा बनाया। अब्द अली जो थे, जो उमेद वंश के जो एक शासक बने, उन्होंने क्या करा कि अरबी जो भाषा थी उसको प्रशासनिक भाषा बनाया, साथ ही साथ इस्लामी सिक्के भी जारी किए। इस्लामी जो सिक्के जारी किए, इन्होंने दो प्रकार के सिक्के जारी किए, एक तो था सोने का सिक्का और दूसरा चांदी का सिक्का। सोने का जो सिक्का था उसको दिनार कहा जाता था और चांदी का जो सिक्का था उसको दिरहम कहा जाता था। और इन सिक्कों की एक विशेषता ये थी कि इसमें अग्नि देवी के चिन्ह बने हुए थे और इसके ऊपर जो है यूनानी और पहलवी भाषा में लेख लिखे गए थे। ठीक है, क्या था इसकी विशेषता, जो सोने और चांदी के सिक्के थे, सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या थी कि इसके सिक्के के ऊपर जो है अग्नि देवी की वो जो है चिन्ह बने हुए थे, और यहाँ पर जो है यूनानी और पहलवी, ये ईरान की एक भाषा है, पहलवी भाषा में लेख लिखे गए हुए थे। ठीक है, तो ये अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से खलीफाओं का शासन बनता है, चलता है, और जो उम्मीद जो परंपरा, उम्मीद जो वंश है उसका शासन किस प्रकार से चलता है। आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे अब्बासी क्रांति के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।